रसूले अमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। है अकीदा ये अपना बस इद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ऐ रसूले अमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई लोग आप सब। यार अभी मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ और इस वक्त जा रहा हूँ मैं जुहेब भाई के पास। वहाँ पे आए हुए हैं उस्मान भाई जो पाकिस्तान से आए थे पैदल हज करने के लिए। उनसे मुलाकात करनी है, मीटअप करना है और उनको कोशिश करेंगे कहीं घुमाने फिराने लेके जाएंगे जद्दा में सी पॉइंट वाली साइड पर। तो सुबह यार बहुत ज़्यादा बादल थे, इस पर तो फिर गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा। खैर निकलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं और देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं। यल्ला लो भाई, मेरी गाड़ी का कूलेंट जो है वो ख़त्म हो गया था तो मैं ये बेहतरों में आया था कूलेंट लिया है पानी का रेडिएटर चेंज करने के लिए। अभी चलते हैं। चलो भाई मसा ही पहुँचे हैं आज। और ये वाली बिल्डिंग है जुहेब भाई की, जो कोकल आंटी हैं वो कहीं और मुझे ले गई थी, वो बिल्डिंग ये है इनकी। लिफ्ट से सेकंड फ्लोर चला जी, सेकंड फ्लोर चलो भैया। अपार्टमेंट नंबर 10 ये लग रही है। यार वो मुझे बीबी गूगल आंटी के ले गई है तो मैं उधर आ गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से मजे में? अल्लाह का शुक्र आपने। कहाँ पे हमारे बशिंदे? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं असलाम भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मजे में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने फिट फाट हैं। ये आपने भी जो लोकेशन भेजी है वो भी मुझे पिछली गली में ले गई। आपने भी भेजी वो सेम ही गई है क्योंकि मैंने भी भेजी जिस दिन हम असल में आप लोग तो इस गली में लेके ये आज मैं आया हूँ फर्स्ट टाइम सोहेब भाई की तरफ और ये खादत वाजो हो रही है। सर ये वाली बर्फी जो है लहदा प्लेट में इसलिए कि ये रात को आई है पाकिस्तान से। ये पाकिस्तानी है? हाँ जी ये पाकिस्तान है। और ये सियालकोट का, ये भी पाकिस्तान का शहर है। सियालकोट का ही खाओ कसम ऐसे ही चाय लेकर आए हैं भाईजान। क्या वो उस्मान पे बड़ी तरीफे कर रहे हैं कि अच्छा चले ये सर चाय वाली चाय है, गुड़ वाली चाय है। क्या बात, चीनी वाली हम चाय पीते नहीं है सर। आपकी क्या गुड़ भी पाकिस्तान का इधर का नहीं है, जासमीन जक्की का। OMG ये गुड़ पाकिस्तान का। और पाकिस्तान से भी जो गुड़ आया ना वो ऐसे नहीं है स्टोर वाला, ये ताजा जो गुड़ नहीं होता गाँव का, गाँव का गुड़। क्या बात सर, आप जा मैं इसलिए आपकी सेहत देख रहा हूँ माशाल्लाह। अब आप आए नहीं है वो हलवे का, हम मंगवाते थे पास से 5-8 किलो हलवा मंगवाते हैं। हलवा कौन सा? सोन हलवा। अच्छा गाजर का सोन हलवा कहीं से मंगवाएं? पाकिस्तान मुल्तानी सोन हलवा। सोन हलवा भी हमारे पास पड़ा हुआ था, हमने गिफ्ट दिया है। ओए मुल्तानी सोन हलवा मुझे मंगवा के दें यार। हमारे पास जो है ना वो आपका कोई नहीं मुल्तान सोन हलवा में? तो अली भाई अगली दफा आपकी दावत करते हैं ना मुल्तानी सोना मंगवाएं यार, मेरा बड़ा फेवरेट है। लेकिन मैंने अभी तक एक दफा ही खाया है, आपको मजा आएगा। चले अभी भी लाल जो है उसे एंजॉय करें। नहीं नहीं इसी से कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। ये रियल बेकार गया क्या दे दूं मैंने कहा आप खाएं। फिर आपने हमारे में लेके नहीं खाई बर्फी, अब आपको अपने में लेके लाएंगे, छोड़ दें बस बातें। अब अब आपको फिर अपने मजे की है इसका खाने का पता क्या तरीका कार है? ओवन है घर में, आधा मिनट ओवन कर गर्म कर लेना, अभी रहने दें, अभी रहने दें, आधा मिनट सिर्फ ओवन गर्म कर खाया करना, बड़ा मजा आएगा। क्या ख्याल है? देखिए वाला बात भी भाई, अभी हम लोग जा रहे हैं उस्मान भाई को मैं लेके जा रहा हूँ कहीं घुमाने फिराने के लिए।
इनको जरा जद्दे की सैर सुर करवाते हैं। क्या बात है अली भाई की, फॉर्मिश फॉर्मिश कराते हैं, थोड़े कपड़े उतरवाने हैं इनको, जद्दे के साथ हम अली भाई को बुला लेते हैं, फैमिली वाले बंदे हैं तो नहीं नहीं यार टाइम बता। और ये सोहेब साहब जो है ना ये जा रहे हैं अपनी शॉप में, हमारा मेहनत मजदूरी करते हैं हम लोग, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मशहूर ज़ुहेब रिपेयर जद्दा वाले, ये लाजमी हम मोबाइल रिपेयर वाले, मोबाइल रिपेयर जद्दा वाले लाजमी बताना है आपने। यूट्यूब चैनल है, जल्दी जल्दी जाएं, और भाई का भी यूट्यूब चैनल है, मैं बताता हूँ। देखिए जो मेरा चैनल है ना उसके अंदर ज्यादातर वीडियोस आपको जो है ना वो वलीद शेख साहब की मिलेंगी, क्योंकि वलीद शेख साहब को पाकिस्तान में भी ऑफर हुई थी मॉडलिंग की, तो ये छोड़ के आए हैं क्योंकि इतनी दूर गाड़ी खड़ी की। मैं आपने आपने जो लोकेशन भेजी है बीबी ने भेजी है जी, वो इस गली में कल दोस्त भी इस गली में, हां इधर है, तो मैं की कर सकना यार। चलो कोई नहीं है, लोकेशन नु जड़ा ना करना, लेकिन कोई मसला नहीं है, पैदल भी चलना चाहिए अली भाई। आप इनका नजर भाई मेरे पे इसे नहीं देखे क्योंकि ये एल्बेक्स की शॉर्ट जो है ना वो ज्यादा कहते हैं कि चलो मेरा चैनल जो है ना वो फेमस हो जाए, ठीक है, उसी चक्कर में ये एल्बेक खाते रहते हैं दो दिनों बाद, तो मैंने एक और ब्लॉग शुरू हो गया। अच्छा भाई मैं और उस्मान भाई निकले थे कॉर्निश की तरफ, सामने कॉर्निश है, भूख लग रही थी कुछ खाने की, तो मैं कहा चलो यार अल्बेक खाते हैं, पहले अल्बेक के बड़े ख़िलाफ़ है लोग मेरे, अल्बेक ही ले लेते हैं फिर। अच्छा भाई उस्मान भाई ने खाया था ब्रोस्ट पहले खाया हुआ, मैं उस्मान भाई खाने लगा हूँ बिग बेग स्पाइसी, यहाँ का जो जंबो बर्गर है ना पूरा खिलाया था, इनको पता लगे कि यार कुछ खाया है। अभी रश बिल्कुल भी नहीं है और इसके बावजूद भी 10-15 मिनट लग रहे हैं हमें यहाँ पे, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। हाँ जी, क्या रिव्यूज़ हैं आपके इस हैवी बन बर्गर के? माशाल्लाह अच्छा है जी, अभी ब्रोस्ट खाया हुआ है, नगेट्स खाए हुए हैं, ये अभी फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। हाँ जी, और ये वाकई बहुत बड़ा होता है, ये पूरा खाया भी नहीं जाता। अभी खा पी के हम लोग आ गए इधर कॉर्निश पे, सामने कॉर्निश, ये आपका रेनबो ट्रैक। उस्मान भाई को बेसिकली मैंने दिखाना था, वो कहता है जद्दा कितने लिखा हुआ है, मैं कहा आपको दिखाते हैं कि जद्दा कहाँ लिखा हुआ है। आज मैं ना फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्रैफिक नहीं देख रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे वीकेंड में तो आपको फुल टाइम रश ही मिलता है। पॉइंट और था जहाँ पे जो फाउंटेन भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो ये जो पॉइंट है थोड़ा सा सीन शुरू है, सीन बस है क्योंकि सनसेट का बादल बने हुए हैं, लहरें काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ रही हैं, और सूरज जो है वो गरूब हो रहा है, सुभान अल्लाह क्या बेहतरीन सीन है। ले भी अभी उस्मान भाई ने वहाँ पे जद्दा के सामने खड़े होकर तस्वीरें बना ली हैं, अभी हम चलते हैं वो मस्जिद में, यहाँ समुद्र में उधर जाके नमाज़ पढ़ते हैं मगरिब की, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे मस्जिद रहमा की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए सनसेट चल रहा है इस वक्त, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है ना, अब से थोड़ी सी ना चिप 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 वाला मौसम है। जब भाई मगरिब को 5-6 मिनट रह गए तकरीबन, तो यहाँ पे वजू करते हैं, ये हमारे पाकिस्तान में क्या कहते हैं, पट्ठे कहते हैं ना, नहीं ये पता नहीं पट्ठे हैं या नहीं है, पट्ठे टाइप लगे हुए। चलो भाई यहाँ पे वजू कर लें। अच्छा भाई सीन ये है कि वॉशरूम हमने जाना था अभी, लेकिन वॉशरूम के लिए आपको पता है यहाँ पे कार्ड लेना पड़ता है, कार्ड लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। भाई यहाँ के जो अंदर के वॉशरूम है ना वो भी फुल एयर कंडीशन है, इसलिए इन्होंने 10 रेल ली हैं और 10 में हम 4 मरतबा अंदर आ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ ऐसे है, फुली एयर कंडीशन, फुली इक्विप्ड, पानी शानी आ रहा है, ठीक है, ये साबुन है, ईच एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे आ गया आपका टिशू, ठीक है जी। हाँ जी कैसे लगे आपको फीचर्स यहाँ के? फुली एयर कंडीशन है ना। ये वाला कार्ड है भाई जो 10 रियाल में आप रिफ़िल करवा लेते हैं, 10 रियाल में आप 4 मरतबा वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, यानी कि 4 मरतबा आप जा सकते हो जब मर्ज़ी जाएं आप, ठीक है। वॉशरूम के बाहर भी ये लगे हुए हैं, यहाँ से भी निकलवा सकते हैं आप पेमेंट करके, लेकिन कुछ लोगों के पास कार्ड नहीं होते हैं, शायद इन लोगों ने ये बंद किया हुआ है, तो वो ऑफिस में जाएँ वहाँ से ये पैसे दे के आप 10 रियाल का फिल करवा लें, 20 रियाल का फिल करवा लें, 20 रियाल में 8 मरत जाएगा। पर चलते हैं नमाज़ पढ़ने। अच्छा भाई ये जो वीडियो बन रही है ना इसका कुछ पोर्शन आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और जो चीज़ें मैंने नहीं कैप्चर की होंगी वो आप उस्मान भाई के चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ये मिक्स मसाला चाट वाला व्लॉग बन रहा है इस टाइम पे। ये है भाई मेरा फेवरेट तरीन सीन, मस्जिद और समंदर, कमाल का सीन है यार ये,
नवीन नमाज हमने पढ़ ली है, अब चलते हैं वो आगे मस्जिद रहमान है, आ जाकर मिलते हैं आपको। अभी मैंने सोचा जाते जाते उस्मान भाई को ये भी दिखा दें। अच्छा भाई, हम लोग आए हैं अभी दूसरे पॉइंट में मस्जिद रहमान के पास। यहाँ पे ये देखना, ये आपको लगे हुए हैं स्कूटर, अगर आपने ये यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसका सीन क्या है जी, ये है एक घंटे का 60 मिनट जो है ना 70 रियाल में, 424 आवर्स। इसका आप कार्ड कैसे कार्ड रिचार्ज करना है कोई आइडिया नहीं है, पर हम लोग तो पहुंच गए हैं मस्जिद रहमान के पास। चलते हैं और आपको मस्जिद दिखाते हैं, खुद भी नमाज़ पढ़ते हैं, आपको भी दिखाते हैं अंदर से। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था तो ये सब कुछ ओपन था क्योंकि वीकेंड था, आज वीकेंड नहीं है, सब कुछ बंद है। और इसका सन्नाटा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, क्यों भाई इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। क्यों नहीं है? वो आगे मस्जिद, ये अल्लाह नहीं। तो भाई मस्जिद रहमा माशाल्लाह पहुंच गए हम लोग, जैसे जैसे करीब जा रहे हैं दो दो व्लॉगर साथ साथ लगे हुए हैं माशाल्लाह। ये भाई मस्जिद रहमा, अंदर से कुछ माशाल्लाह बेहतरीन। वैसे भी नमाज का टाइम नहीं है। ये देखे ना, पानी के अंदर पिलर्स बना के तो ये मस्जिद को खड़ा किया हुआ है, इसके ऊपर क्या बात है। यहाँ से देखें आप, नमाज का भी टाइम है, मेरे ख्याल में निकलते हैं नमाज घर जाके अपने एरिया में पढ़ते हैं जाके। बेचारा ड्रैगन भी आज खामोश बेअबान आराम से बैठा हुआ है। ले भाई शारा फलस्तीन पहुँच गए हैं और उस्मान भाई को हम यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, ये मेहमान हैं आज। बहुत शुक्रिया जी जोहेब भाई के, उम्मीद है जोहेब उस्मान भाई आपको मज़ा आया होगा मेरे साथ। वो पेट्रोल पंप तो आ गया ना, किधर है सर जी? ये पेट्रोल पंप आ गया सर। ओके ओके, आपने रोड क्रॉस करनी है, सिर्फ जाना है। माय गॉड, समझ रहे हैं? ठीक हो गया। ओके ओके, तो चलिए उस्मान साहब को यहाँ उतारते हैं और फिर बच्चों को लेके चलते हैं जरा कुछ घुमाने फिराने। ठीक। अस्सलामु अलैकुम, आजो आजो मेरा बेटा भाई, किधर है? आजो आजो मेरा बेटा, पेपर की तैयारी करता भाई, आ गए। तैयारी हो गई है, तैयारी हो गई मेरे बेटे की। अच्छा भाई, बच्चों ने खाना है अंडा शामी बर्गर, तो यहाँ से खिजर लेने गए अंडा शामी बर्गर बताम समर से स्पाइसी। ओके, उसके बाद चलेंगे इंशाल्लाह इसके लिए डोनट लेने के लिए। ये देखो माशाल्लाह, खुद ही जाता है अभी शॉपिंग करने, खुद ही परचेजिंग कर लेता है सारा कुछ। माशाल्लाह बिग हो गया खिजर अभी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अपनी मर्जी का खुद ही डोनट लेने के लिए गया अभी। इसमें ये बच्चों में इसका कॉन्फिडेंट आता है, आप बच्चों को खुद भेजा करें, जाओ जाके खुद ले कर आओ। चलो अभी अभी मूसा भी गया है लेने के लिए, कहते मैंने अभी अब डोनट खाना बर्गर छोड़ दिया। चलो जी आ जाओ भाई चौधरी साहब। जी जनाब, आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं यहाँ पे, घर पहुँच गए हैं बस, अब थोड़ा अपने आप को फ्रेश करते हैं, चाय शाय पीते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं ईशा की, और वीडियो का अहतमाम करते हैं यहाँ पे। मिलते हैं दोबारा नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।